हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं नितेश वर्मा और आप देख रहे हैं टेक्निकल ध्यान। जैसा कि आप लोगों को पिछले लेक्चर में हमने आईटी गैजेट्स एंड देयर एप्लीकेशंस यानी कि आईटी गैजेट्स जो डिवाइसेस हैं इनके बारे में आप लोगों को मैंने बताया था। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बेसिक ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के कंसेप्ट के बारे में बताऊँगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के सारे कंसेप्ट समझ में आ जाएंगे। और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या क्यूरी हो आप इजीली और आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और चलिए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर किन चीज़ों से मिलकर बना है। तो देखिए, यहाँ पे एक डायग्राम के थ्रू आप लोग को हम अच्छे से बता रहे हैं। देखिए, कंप्यूटर जो है हमारा एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कि हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, फ्रेमवेयर और लाइवेयर इन सब से मिलकर बना है और इन्हीं के कारण कंप्यूटर हमारा कार्य करता है। अगर इनमें से एक नहीं रहेगा तो कंप्यूटर हमारा कार्य नहीं करेगा। तो हम एक एक करके सारे कंसेप्ट को समझेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा कंसेप्ट है हार्डवेयर के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे, उसके बाद से सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद फ्रेमवेयर, उसके बाद लाइवेयर। तो एक एक कंसेप्ट को अच्छी तरह से हम समझते जाएंगे। तो देखिए आगे, देखिए जो हमारा मेन टॉपिक था बेसिक ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, हम सबसे पहले हार्डवेयर के बारे में पढ़ रहे हैं। तो हार्डवेयर के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? पहला आता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और कंप्यूटर की मेमोरी और स्टोरेज डिवाइस। ये सब हमारे कंप्यूटर के हार्डवेयर है। उसके बाद से है दूसरा इसमें कॉन्सेप्ट सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर के अंतर्गत एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ओपन सोर्स एंड प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर और मोबाइल एप्स, इसके बारे में जानेंगे। तो हम सबसे पहले ये हार्डवेयर के एक एक टॉपिक को हम अच्छी तरह से पढ़ने के बाद सॉफ्टवेयर को पढ़ेंगे। तो हमारा सबसे पहला जो है हार्डवेयर है। हार्डवेयर के बारे में जान लेते हैं कि हार्डवेयर क्या होता है। तो चलिए देखते हैं। देखिए, हार्डवेयर ऑल फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर विच कैन सी एंड टच कॉल्ड हार्डवेयर, यानी कि कंप्यूटर के वे सभी पार्ट जिन्हें हम देख सकते हैं और छू सकते हैं उसे हार्डवेयर कहते हैं। यानी कि आप लोगों ने देखा कि जो हमारे कंप्यूटर के पार्ट्स होते हैं वो सब हमारे हार्डवेयर होते हैं, जिनको हम आँखों से देख सकते हैं, छू सकते हैं, वे सभी पार्ट हार्डवेयर कहलाएंगे। कंप्यूटर हार्डवेयर्स इंक्लूड द फिजिकल पार्ट्स ऑफ ए कंप्यूटर सच एज द केस, CPU, मोनिटर, माउस, कीबोर्ड, स्टोरेज डिवाइस, ग्राफिकल कार्ड, साउंड कार्ड, स्पीकर, मदरबोर्ड। ये सब हमारे हार्डवेयर हैं, कंप्यूटर के भौतिक भाग हैं जो ये हमारे कंप्यूटर को सारे डिवाइस मिलकर कंप्यूटर का एक निर्माण कर जिस पे हम अपना कार्य करते हैं। तो ये सारे जो डिवाइसेस हैं इनको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं और फील कर सकते हैं। देखिए, ये हार्डवेयर पार्ट्स हैं। इसमें सबसे पहले ये केस जिसको हम CPU के नाम से जानते हैं, ये और ये हमारा मॉनिटर है और ये हमारा कीबोर्ड है और ये हमारा माउस है। ये कंप्यूटर के मुख्य पार्ट्स हैं जिस पे मॉनिटर पे हमको कोई भी कार्य करते हैं कंप्यूटर पे वो दिखाई देता है। कीबोर्ड के सहारे कंप्यूटर को हम डेटा देते हैं, माउस के सहारे कंप्यूटर को रैंडमली तेज़ी से चलाते हैं। उसी तरह ये सारे डिवाइस को हम टच कर सकते हैं, छू सकते हैं और देख सकते हैं। और ये जो हमारा CPU है, CPU के अंतर्गत SMPS होता है, स्विच मोड पावर सप्लाई। ये हमारा AC करंट, जो करंट के दो फॉर्म होते हैं, एक होता है AC और एक होता है DC। तो ये जो SMPS है AC करंट को इनपुट करता है और आउटपुट DC करंट मदरबोर्ड को देता है। ये मदरबोर्ड भी हार्डवेयर है, हम इसको छू सकते हैं और देख सकते हैं आँखों से। अब उसी तरह ये DVD-ROM है, ये हार्डवेयर है। CPU है, ये भी हार्डवेयर है। इसमें CPU का फैन है, ये भी हार्डवेयर है। RAM, मेमोरी, ये भी हार्डवेयर है। यानी कि एक तरफ से कहा जाए कि कंप्यूटर के वे सभी पार्ट जिन्हें हम छू सकते हैं और देख सकते हैं वो हमारे हार्डवेयर कहलाते हैं। देखिए आप लोगों को, हम जो हमारा केस है जिसको हम CPU बोलते हैं, ये जो बॉक्स होता है ऐसा, इसको हम CPU भी बोलते हैं, कैबिनेट भी बोलते हैं और केस बोलते हैं। जनरली जो किताबी भाषा है उसमें हम इसको केस बोलते हैं। तो इस CPU के अंतर्गत ये सारे डिवाइसेस होते हैं जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। सबसे पहला डिवाइस ये होता है पावर सप्लाई, इसका पूरा नाम होता है SMPS, स्विच मोड पावर सप्लाई, SMPS।
इसका पूरा नाम होता है स्विच मोड पावर सप्लाई। ये क्या करता है, एसी करंट को ये ग्रहण करता है और यही कन्वर्ट करके मदरबोर्ड को डीसी करंट देता है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कोई भी हो वो डीसी करंट से ही चलता है। और इस मदरबोर्ड पे ये सीपीयू लगा होता है जिसको हम प्रोसेसर बोलते हैं, माइक्रो प्रोसेसर बोलते हैं। ये कंप्यूटर का दिमाग होता है जो कि सारे कंप्यूटर की गणनाएं करता है, सारे कंप्यूटर के कार्य करता है। और ये कंप्यूटर की मेमोरी है जिसको रैम बोलते हैं। ये इसी मेमोरी के सहारे ये सीपीयू काम करता है। कंप्यूटर में कुछ भी नज़र आता है तो इस मेमोरी की वजह से, कंप्यूटर में कुछ भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चलते हैं या कंप्यूटर में कुछ भी हम कार्य करते हैं वो हम इस रैम की वजह से करते हैं। यह है ऑप्टिकल ड्राइव। इसके अंतर्गत हम सीडी और डीवीडी कैसेट का प्रयोग करके कंप्यूटर में डेटा को बैकअप लेते हैं या डेटा को हम इसके अंतर्गत स्टोर करते हैं। सीडी और डीवीडी ये दोनों काम के लिए ऑप्टिकल डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। डीवीडी का पूरा नाम होता है डिजिटल वीडियो डिस्क या डिजिटल वर्सलाइट डिस्क, दोनों बोल सकते हैं। सीडी का पूरा नाम होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। अब ये है हार्ड ड्राइव। ये हमारा परमानेंटली स्टोर करने के लिए मेमोरी है जिसमें हम डेटा रख कर सालों बाद भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये है हीट सिंक। ये जो है हीट सिंक, ये हमारा सीपीयू के ऊपर लगा होता है। ये जो हमारा सीपीयू है, यहाँ पे ये जो पोर्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे सीपीयू को इंस्टॉल किया जाता है और इसी के ऊपर ये कूलिंग फैन को लगाया जाता है कि जो है हमारा हीट सीपीयू ना हो। ये है फ्लॉपी ड्राइव। इसका इस्तेमाल पहले किया जाता था, अब नहीं किया जाता है। यह एक तरह से मेमोरी थी जिसमें डेटा हम स्टोर करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक या एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक पहुंचाने का या इस कंप्यूटर से उस कंप्यूटर में डेटा कॉपी करने का इस्तेमाल किया जाता था। आज इसके जगह आ गया है पेन ड्राइव, जो आप लोगों ने देखा होगा, पेन ड्राइव के बारे में सुना भी होगा। तो अब यह है एक सिस्टम फैन। सिस्टम फैन का मतलब ये होता है कि ये जो पूरा हमारा केस है, जो ये सीपीयू वाला बॉक्स है, इसके यहाँ पे लगाया जाता है। ये पूरे सीपीयू की गर्मी को बाहर निकालता है। जब हम ज़्यादा देर तक कंप्यूटर पे कार्य करते हैं तो कंप्यूटर हमारा थोड़ा सा हीट उत्पन्न करने लगता है, तो इसी फैन के कारण कंप्यूटर थोड़ा सा कूल होता है, यानी कि ठंडा होता है। तो हम लोगों ने जान लिया कि ये केस जो है इसके अंतर्गत क्या क्या होते हैं। ये सारे के सारे डिवाइस हमारे केस के अंतर्गत ही पाए जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सब्सक्राइब दिस चैनल टू गेट मोर वीडियो।